दोस्तों बचपन में आपने जादू देखा होगा, एक जादू आपके इस मोटरोला फोन में भी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं मैं फोन को टच नहीं कर रहा हूं, मगर सेटिंग्स में जा सकता हूं और आपको ये कंप्यूटर की तरह यहां पर कर्सर दिख रहा होगा जो सारा काम कर रहा है। स्क्रॉल करना हो तो आप बिना टच किए हुए स्क्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों आपका फोन जो है वो लॉक रहता है, जिसको ऑब्वियसली अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पर पिन देना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। मगर एक जादू यहाँ पर होता है और आप देखते हैं कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था वो बदल जाता है, 1 6 5 3 4 9 8 2 7 हो जाता है। वैसे अगर आपको याद हो रहा होगा तो ये जो सिक्योरिटी लेवल है SBI के बैंकिंग ऐप में देखने को मिलता था। अब आपको अपने मोटरोला मोबाइल में पहली बार साइड बार देखने को मिलता है, जो पहले कभी भी देखने को नहीं मिलता था। अपने मोबाइल में चेक कीजिए कि आपके मोबाइल में भी साइड बार आपको दिख रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और करते हैं वीडियो को फटाफट से शुरू। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ आपके मोटरोला एज मोबाइल के 75 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर, जिसको आप देखकर ना सिर्फ आश्चर्य करेंगे बल्कि बिल्कुल ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपके मोबाइल में था और आपको बिल्कुल भनक भी नहीं था। और इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स को जानने के बाद अपने मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर बन जाएंगे और आपको अपने मोबाइल को यूज करने का एक्सपीरियंस में बहुत ही 4 चांद लग जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टिप्स एंड ट्रिक्स पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रैम्बल पिन वाला सिस्टम है अब आपको आपके मोटरोला मोबाइल में देखने को मिल जाता है। कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले तो आपको अपने फोन में ही चले जाना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर होम स्क्रीन में मोटो का आइकन मिलेगा, इसमें जाना है। और इसमें थोड़ा नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे आपको मोटो सिक्योर का ऑप्शन देखने को मिलता है और पिन पैड स्क्रैम्बल का ऑप्शन मिलता है, जिसको आपको यहाँ से बस इनेबल कर लेना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पिन पैड है इस तरह का स्क्रैम्बल्ड वे में आएगा, यानी कि कोई भी ताक झाक करके आपके मोबाइल का पिन नहीं जान सकता अगर कोई देख भी हो तो। क्योंकि नॉर्मली जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नॉर्मली रहता है तो वो देखकर समझ जाते हैं कि आपने कहां पर टच किया और आपका पिन क्या हो सकता है। और वापस से बैक जाएंगे मोटो सिक्योर में और यहां पर आप देख सकते हैं अब आपको सिक्योर फोल्डर भी देखने को मिलता है आपके मोबाइल में। सबसे पहले आपको सेटअप करना होगा, यानी कि यहां पर जो भी पैटर्न पिन देना है वो दे देना होगा, ताकि दुनिया का कोई भी थर्ड पार्टी या थर्ड इंसान आपके उस ऐप को देख ना सके। एग्जांपल के लिए मैं यहां पे व्हाट्सएप को कर देता हूं, ओके कर देता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं एक व्हाट्सएप आ जाता है और ये एक तरह का क्लोन्ड व्हाट्सएप है। दोस्तों अगर आपने सैमसंग का मोबाइल यूज किया है तो आप जानते हैं उसके सिक्योर फोल्डर में जैसे काम करता है वैसे ही इसमें भी काम करता है, यानी कि एक व्हाट्सएप जो है आपके सिक्योर फोल्डर में है, जो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि ऐप जो है वो इंस्टॉल हुआ है, यानी कि एक डुअल ऐप है, ऐप क्लोन है जो इंस्टॉल हुआ है। गॉट इट कर देंगे। और यहाँ पर सिक्योर फोल्डर का टाइम आउट आपको सेट कर लेना है, बाय डिफॉल्ट 2 मिनट है, 2 मिनट ही रखते हैं। बैक चले जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्मल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको नॉर्मल व्हाट्सएप भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर, और सिक्योर फोल्डर का व्हाट्सएप आपको यहाँ सिक्योर फोल्डर में देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ये डुअल ऐप का सिक्योर फोल्डर है, इसका मतलब है कि ये जो व्हाट्सएप होगा इसको आपको एक नए अकाउंट से लॉगिन करना होगा, नहीं एक ही मोबाइल में आप दो व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। नॉर्मल व्हाट्सएप है और ये दूसरे अकाउंट का व्हाट्सएप है, और ये सिक्योर व्हाट्सएप है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इस व्हाट्सएप के चैट्स को नहीं देख सकता है, ये बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। और इससे भी ज्यादा कमाल की बात है कि सिक्योर फोल्डर में ही अगर आप ये 3 लाइंस के मेनू में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डिस्गाइज्ड आइकॉन आपको देखने को मिल जाता है, जिसको आपको बस इनेबल कर लेना है और यहाँ पर कोई भी नाम दे देना है जो सिक्योर फोल्डर के नाम को चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पर मैं ऑफिस दे देता हूँ ताकि कोई भी इसमें जाए नहीं, और मैं कोई भी एक आइकन दे दूंगा, एग्जांपल के लिए बगर का ही आइकन दे देता हूँ, ओके कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि जब सिक्योर फोल्डर आप अपने ऐप्स में देखेंगे तो आप देखेंगे सिक्योर फोल्डर नाम का कुछ भी नहीं है, इसमें आप देखेंगे कोई भी सिक्योर फोल्डर नहीं है, क्योंकि उसका नाम मैंने ये ऑफिस कर दिया है बर्गर वाला। यहां टच करेंगे तो देखिए सिक्योर फोल्डर खुल जाएगा, यानी कोई भी समझ भी नहीं पाएगा सिक्योर फोल्डर आपका है कहां, जिसको यूज कर सकता है। दोस्तों आपका ये मोटरोला का जो फोन है आप देख सकते हैं कर्व्ड एज के साथ आता है और इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। उसको आप कहां देख सकते हैं? तो आपको सेटिंग्स में जाना है, डिस्प्ले में जाना है, और इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है डिस्प्ले रिफ्रेश रेट का, इसमें जाएंगे जो बाय डिफॉल्ट ऑटो में है, जिसमें 120 हर्ट्ज से ज्यादा रिफ्रेश रेट ये सेट नहीं करता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन के अनुसार सेट करता है। आप देख सकते हैं यहां पर स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन अप टू 120 हर्ट्ज। मगर आप इसका फुल फ्लेश्ड मजा लेना चाहते हैं रिफ्रेश रेट का तो आपको मैनुअली 144 हर्ट्ज सेलेक्ट कर लेना है। अब ये स्मूथेस्ट है, यानी कि मक्खन की तरह आपका फोन काम करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि 120 हर्ट्ज के मुकाबले ये बिल्कुल बटरी स्मूथ काम करता है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और डिस्प्ले में एक बहुत ही कमाल का फीचर आपको दिया गया है स्क्रीन टाइम आउट सेक्शन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं अटेंटिव डिस्प्ले है, जिसको आपको जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए ताकि जब भी आप अपने मोबाइल को देख रहे हो तो ये स्क्रीन टाइम आउट नहीं होगा। नॉर्मली बैटरी बचाने के लिए आप 30 सेकंड या 1 मिनट का टाइम आउट रखते हैं तो वो तुरंत टाइम आउट हो जाता है, मगर अगर आप स्क्रीन को देख रहे हैं अटेंटिव डिस्प्ले ऑन है तो 1 मिनट हो चाहे 30 सेकंड हो स्क्रीन टाइम आउट नहीं होगा, स्क्रीन हमेशा इसका ऑन ही रहेगा, ताकि बार बार आपको स्क्रीन को ऑन ना करना पड़े
करेंगे उससे और ज़्यादा बैटरी की खपत होती है। बैक जाएंगे डिस्प्ले में और इसमें आप देख सकते हैं आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है जिसमें डार्क थीम है, बस यहाँ से आपको इसको इनेबल कर देना है। और इसको फर्दर कस्टमाइज करना है तो आप इसके अंदर जा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन के अनुसार आप इसको स्क्रोल कर सकते हैं या फिर कस्टम टाइम के अनुसार कर सकते हैं। और लोकेशन के अनुसार करने के लिए आपको सनसेट टू सनराइज सेलेक्ट करना होगा जिसमें ये लोकेशन आपका ले लेगा और ऑटोमेटिकली जान लेगा कब सनसेट होता है कब सनराइज होता है। और सनसेट में डार्क मोड ऑन हो जाएगा, सनराइज जैसे ही होगा डार्क मोड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। वापस से बैक जाएंगे डिस्प्ले में और यहाँ पर आप देखेंगे डार्क थीम के नीचे आपको कलर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें दो ऑप्शन है। नेचुरल है, इसका मतलब एक नेचुरल कलर देगा, बैटरी थोड़ा कम खर्च करेगा। वहीं सैचुरेटेड में आपको बिल्कुल चटक कलर मिलेगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइब्रेंट कलर मिलता है भले ही ये बैटरी थोड़ा ज्यादा खाता है। तो दोस्तों नया फोन है, बैटरी थोड़ा ज्यादा खा सकता है क्योंकि सैचुरेटेड चटक कलर देखने में मजा बहुत आता है। और कलर्स के नीचे आपको फ्लिकर प्रिवेंशन देखने को मिल जाता है जिसको आपको बिल्कुल जरूर से इनेबल रखना चाहिए ताकि डार्क एनवायरमेंट में ये आपका एमोलेड का पैनल है काफी फ्लिकर करता है। जो नेकेड आई से तो आप नहीं देख सकते हैं मगर कैमरा से आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फ्लिकर कर रहा है, तो उस फ्लिकर को प्रिवेंशन करता है ताकि आपकी आंखों पे कम से कम जोर पड़े और आपकी आंखें सुकून में रहें, आपको इस मोबाइल को यूज करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसमें एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, इसका मतलब ये है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिलता होगा मगर मोटोरोला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में बिलीव नहीं करता है, वो पीक डिस्प्ले देता है। पीक डिस्प्ले क्या होता है इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, पहले इसका सेटअप देख लेते हैं कि क्या करना होता है। तो पीक डिस्प्ले में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपने नोटिफिकेशन को बहुत आसानी से देख सकते हैं, बस यहाँ से इसको इनेबल करके रखना है। और सेटिंग्स में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको इतना सारा ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप क्लॉक रख सकते हैं, एनिमेटेड बैकग्राउंड रख सकते हैं, जेस्चर यूज करके डिस्प्ले को वेक कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, टच करने पे सेफ रिप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपको मोबाइल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर बाहर से ही आप रिप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए उसको देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। तो ऑब्वियसली पीक डिस्प्ले के लिए आपको मोबाइल जो है वो लॉक्ड होना चाहिए और आप देख सकते हैं कि पीक डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जिसमें यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है और साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ देखने को मिल जाता है। नोटिफिकेशन पे जैसे ही आप टच करके रखेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको 3 नोटिफिकेशन आया हुआ है और यहीं से आप व्यू ऑल कर सकते हैं, यहीं से आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है जो चाहे वो कर सकते हैं, आपको मोबाइल के अंदर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर मैसेज देख सकते हैं तो मार्क एट रीड कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, जो भी आपका मन हो आप वो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट जेन फीचर की तरफ। तो मोटो में जैसे ही आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको पर्सनलाइज करने का भी बहुत सारा ऑप्शन आपके मोटोरोला के मोबाइल में देखने को मिल जाता है जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको वेरियस थीम्स देखने को मिल जाता है। डिफॉल्ट मिल जाता है, मोटो मिल जाता है, सीवे मिल जाता है, हनी मिल जाता है और आप देख सकते हैं कि हर एक का कलर थीम डिफरेंट है, हर एक का आइकॉन का शेप डिफरेंट है और सारा का सारा आपको बिल्कुल कस्टमाइज वे में मिल जाता है। अगर आपको इन सब में से कोई भी पसंद नहीं आता है तो यहाँ पर आप प्लस साइन कर सकते हैं और अपना एक नया थीम डिजाइन कर सकते हैं जिसमें ऑब्वियसली आप वॉलपेपर चुन सकते हैं, आप अपना फॉन्ट चुन सकते हैं, कलर चुन सकते हैं, आइकॉन का शेप चुन सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। वापस बैक जाएंगे पर्सनलाइज में तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है डिफॉल्ट थीम के अलावा फॉन्ट का मिल जाता है, कलर भी आप बहुत सारा चुन सकते हैं, आप देख सकते हैं वेरियस कलर आपके पास है चुनने के लिए या फिर आप यहाँ से कलर बार या कलर पैलेट से भी चुन सकते हैं, गैलरी से भी आप कलर को उठा सकते हैं वॉलपेपर के थ्रू। और सिर्फ इतना ही नहीं आपको वॉलपेपर कलर भी देखने को मिल जाता है, साथ में थीम्ड आइकॉन देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर इसको इनेबल कर देंगे तो सारा का सारा आइकॉन जो है बिल्कुल आपके कलर पैलेट के अनुसार यूनिफॉर्म कलर में आ जाएगा जो देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है और आपका फोन बहुत ही यूनिक दिखता है। और सही मायने में मानिए तो यही स्टॉक एंड्रॉइड का सबसे बड़ा पावरफुल फीचर है कि आपका फोन बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट दिखता है। वापस पर्सनलाइज में ही आप देख सकते हैं कलर्स के बाद आपको आइकॉन शेप भी चुनने को मिल जाता है। अतरंगा आइकॉन चुनना है तो आप इस तरह का चुन सकते हैं वरना नॉर्मल आइकॉन आप इस तरह से रख सकते हैं। बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपको डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेआउट आप कितना रखना चाहते हैं, 4x5 रखना चाहते हैं, 4x6 रखना चाहते हैं, यहाँ से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद फिंगरप्रिंट एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, मैंने अभी आपको दिखाया था, तो उसका एनिमेशन आपको सेलेक्ट करना है तो आपको 3 तरह का एनिमेशन मिलता है, रेडियल वेव्स मिलता है, बूमरैंग मिलता है, क्रोमा डायल मिलता है। उसके बाद पीक डिस्प्ले जैसा कि मैंने आपको बताया, साउंड मिलता है, डार्क मोड मैंने आपको बताया, इसमें आपको एज लाइट भी देखने को मिलता है और जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो एज लाइट बिल्कुल आपके कर्व पे जलता है, यानी फोन सीधा रहे चाहे उल्टा रहे कर्व पे आप इसका एज लाइट को देख कर समझ सकते हैं कि आपको कोई नोटिफिकेशन आया है। इनकमिंग कॉल में भी ये काम करता है, अलार्म में भी काम करता है, ऐप नोटिफिकेशन में तो ये काम करता ही है। और डिफरेंट डिफरेंट कलर आप अपने एज लाइट में दे सकते हैं, आप देख सकते हैं जो भी कलर आपको सबसे सही लगता है आप उसको यहाँ पर देख के बस आपको ओके कर देना है, बैक जाना है। और पर्सनलाइज का सबसे बड़ा खासियत तो मैं आपको बताना भूल ही गया, वॉलपेपर आपको इसमें खतरनाक खतरनाक देखने को मिलता है। देखिए चूज न्यू वॉलपेपर कर सकते हैं, माई फोटोज से कर सकते हैं, जिसमें जो सबसे कमाल का है वो ये डायनेमिक है दोस्तों। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पे ये बिल्कुल लाइव वॉलपेपर आपको कितना बढ़िया दिख रहा है। तो इस तरह का डायनेमिक वॉलपेपर सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से किसी भी वॉलपेपर को डाउनलोड कर लेना है, जितना भी वॉलपेपर आप चाहे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह के वॉलपेपर को यूज कर सकते हैं जो देखने में ना सिर्फ बढ़िया लगता है बिल्कुल बिल्कुल लाइव वॉलपेपर का मजा देता है, जो बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव लगता है, फोन को आपको बिल्कुल एलिगेंट लुक देता है। अब चलिए मोटोरोला के उस यूनिक फीचर को देखते हैं जिसके
लिए मोटोरोला का फ़ोन आजकल जाना जाता है, तो अगेन मोटो में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वेरियस जेस्चर देखने को मिल जाते हैं जो इस फोन को बहुत ही कमाल का बना देता है। जिसमें जो शुरुआत है वो क्विक लॉन्च से होता है। क्विक लॉन्च का मतलब कुछ नहीं दोस्तों, बैक में आप दो बार टैप करेंगे तो आप कोई भी एक फीचर को अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और देखना है कि कौन सा शॉर्टकट आप बैक टैप पर यूज करना चाहते हैं। दो बार टैप करने पर आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर सकते हैं, होम पेज पर जा सकते हैं, जो भी इनमें से चूज करना चाहे चूज कर सकते हैं, या किसी ऐप को खोलना चाहे तो ऐप को खोल सकते हैं। बैक जाएंगे जेस्चर में और आप देखेंगे कि आपको कमाल का चीज साइड बार देखने को मिल जाता है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। बस इसको यहां से इनेबल कर देना है और अगेन इसके सेटिंग्स में जाना है ताकि आप इसके सेटिंग्स को चेंज कर सके। आप देख सकते हैं कि इतना सारा ऐप जो है पहले से साइड बार में है, तो साइड बार काम कैसे करता है, तो आप अपने स्क्रीन पर जाएंगे तो यहाँ पर छोटा सा आइकॉन आप देखेंगे साइड बार का आ गया। बस यहाँ से इसको ओपन कर लेना है और इसको मूव करना चाहते हैं तो आप कहीं भी अपनी स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं और मूव करने के अनुसार ही आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, ताकि इन ऐप में से आप किसी को घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं। और एक खासियत इसका और है दोस्तों साइड बार का, कि साइड बार जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं और कोई भी ऐप खोलते हैं तो वो फ्लोटिंग विंडो में खुलता है, जिसको मोटोरोला ने फ्री फॉर्म विंडो कहा है, मगर हम लोग फ्लोटिंग ही विंडो कहेंगे। कहने में सुंदर भी लगता है और मजा भी आता है। तो फ्लोटिंग विंडो का खासियत आप जानते हैं, बस यहाँ से इसको पकड़ के कहीं भी मूव कर सकते हैं स्क्रीन पे, और किसी भी एज से पकड़ के इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, और सबसे छोटा करना हो तो बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आके चिपक जाता है और बैकग्राउंड में आपको जो मन है वो करते रहिए, और आपको लगता है कि बैकग्राउंड का आपका काम हो गया इस ऐप का जो है, तो बस टैप कीजिए, देखिए यहाँ पर ये हाजिर हो जाता है। फुल स्क्रीन करना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा आइकॉन है, बिल्कुल इस तरह से आप फुल स्क्रीन बना सकते हैं। और फुल स्क्रीन से अगर आपको जाना हो फ्री फॉर्म में या फिर फ्लोटिंग विंडो में, तो आपको इस रिसेंस में जाना है, इस ऐप के आइकॉन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री फॉर्म यानी कि फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। और आपको लगता है कि फ्लोटिंग विंडो का काम हो गया है, तो यहाँ पर बटन है क्लोज करने का, इससे आप इसको क्लोज कर सकते हैं। वापस से जेस्चर में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जेस्चर में साइड बार के बाद आपको क्विक कैप्चर देखने को मिल जाता है, यानी फोन को आप दो बार ऐसे ऐसे करते हैं तो कैमरा जो है इनेबल हो जाता है। फिर दो बार करते हैं तो बैक कैमरा से फ्रंट कैमरा हो जाता है, फ्रंट कैमरा से बैक कैमरा हो जाता है। फटाफट से कैमरा ऑन करने के लिए आपको इस जेस्चर को याद रखना चाहिए। इसके बाद फास्ट टॉर्च है, फास्ट टॉर्च यानी चॉप चॉप मोशन है, कराटे चॉप मोशन है, बस ऐसे ऐसे करेंगे और आपका पीछे का कैमरा का जो टॉर्च है वो ऑन हो जाएगा। और इसके बाद थ्री फिंगर का स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल जाता है, तीन फिंगर बस आपको ऐसे टच करके रखना और आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेता है। यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। वापस से बैक जाएंगे और थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट के नीचे आप देख सकते हैं लिफ्ट टू अनलॉक का आपको ऑप्शन मिल जाता है, यानी फोन को जैसे ही आप हाथ में उठाएंगे तो फोन जो है अनलॉक हो जाएगा फेस अनलॉक के थ्रू। बस यहाँ से आपको इसको इनेबल कर देना है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है अपने फोन को फटाफट से अनलॉक कर लेने के लिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं फ्लिप फॉर डू नॉट साइलेंट मोड, जैसे कि हर फोन में होता है, बस इसको यहाँ से इनेबल कर लीजिए, फोन को पलट के रख दीजिए, ऑटोमेटिकली फोन आपका डीएनडी मोड यानी कि साइलेंट मोड में चला जाएगा, ताकि आप किसी मीटिंग में हो या कोई इंपॉर्टेंट जगह पे हो तो आपका फोन बड़बड़ा के बजने न लगे और आपको शर्मिंदगी न महसूस हो, इसलिए आप फोन को पलट के रख दीजिए साइलेंट मोड में, ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा। और साइलेंट मोड में ले जाने का एक और बहुत बढ़िया तरीका है, फोन को फटाक से आप अपने हाथ में उठा लीजिए, इस ऑप्शन को इनेबल करके फोन ऑटोमेटिकली इनकमिंग रिंग हो रहा हो या फिर कोई नोटिफिकेशन का आवाज आ रहा हो साइलेंट मोड में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये भी एक क्विक तरीका है डीएनडी मोड में अपने फोन को ले जाने का। इसके बाद आप देखते हैं स्वाइप टू स्प्लिट यानी स्प्लिट स्क्रीन का भी इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अभी मैंने आपको फ्लोटिंग विंडो दिखाया था, स्प्लिट स्क्रीन में कैसे करेंगे तो सबसे पहले तो इसको यहां से इनेबल कर लेंगे। और स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट करने के लिए आप देख सकते हैं आपको क्या करना है, तो अपने स्क्रीन पर फिंगर से लेफ्ट टू राइट करना है और वापस से ऐसे जाना है ताकि आपको स्प्लिट स्क्रीन मिल जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे करना और ऐसे करना है और देखिए स्प्लिट स्क्रीन में ये कन्वर्ट हो जाता है। चलिए इसको रियल ऐप में देखते हैं ये कैसा काम करता है। तो फोटोज ऐप चुन लेते हैं और लेफ्ट से राइट जाते हैं, वापस लेफ्ट हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन में ये कन्वर्ट हो जाता है। फोटोज ऐप तो स्प्लिट स्क्रीन में आ गया है, दूसरा ऐप कोई भी इसमें से आपको चुनना है तो चलिए क्रोम ही चुन लेते हैं। आप देख सकते हैं कि फोटोज आधा में जाता है, क्रोम आधा में जाता है, यानी स्प्लिट हो जाता है। और आप चाहें इसको छोटा बड़ा करना चाहे तो इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ ये छोटा बड़ा भी होता है। और आपको लगता है कि आपको क्रोम ही चाहिए, फोटोज का जरूरत नहीं, तो इसको पकड़ के यहाँ से उठा के गायब कर दीजिए, देखिए क्रोम जो है फुल स्क्रीन में आ जाता है। और स्प्लिट स्क्रीन में जाने का एक और भी आसान तरीका है, आपको रिसेंस में जाना है, ऐप आइकॉन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली एक ही हो गया, दूसरा आप कोई भी ऐप सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए स्प्लिट स्क्रीन में वापस से ये दोनों ऐप आ जाता है। अब मोटो ऐप में ही एक बहुत ही कमाल का आपको ऑप्शन मिल जाता है। सबसे नीचे आप आएंगे प्ले में तो आप देखेंगे यहाँ गेम में आपको गेमिंग विजेट देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही मजेदार तरीके से काम करता है। तो कोई भी गेम को आप यहाँ से ओपन कर लेंगे और जैसे ही ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं गेम टाइम इज ऑन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं आपको गेमिंग का एक छोटा सा आइकॉन देखने को मिल जाता है, ये गेम विजेट है जिसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कॉल को ब्लॉक करने का, नोटिफिकेशन ब्लॉक करने का, लॉक मोड में यूज करने का स्टैंडर्ड है, स्क्रीनशॉट है, स्क्रीन रिकॉर्ड है, शेयर आप कर सकते हैं, टर्न सेंसिटिविटी को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके सेटिंग्स में जाकर इसके वेरियस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, फ्री फॉर्म में यानी कि अगर आप गेमिंग के दौरान कोई ऐप भी यूज करना चाहते हैं तो टोटल 6 ऐप को फ्री फॉर्म मोड में सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि जैसे ही आप इसको ओपन करें तो ये
ये फ्री फॉर्म यानी कि फ्लोटिंग विंडो में खेले और गेमिंग के दौरान आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। जब आपका काम हो जाए तो आप जानते हैं फ्री फॉर्म विंडो यानी कि फ्लोटिंग विंडो को यहाँ से ऐसे क्लोज करके वापस गेमिंग आप कर सकते हैं। अब दोस्तों इस फोन का ना सिर्फ डिस्प्ले इतना शानदार है बल्कि इसका साउंड भी बहुत बढ़िया है। तो आप सेटिंग्स में जाएंगे, साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसके सेटिंग्स में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको वेरियस ऑडियो ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, यानी किस तरह का आप ऑडियो सुनना चाहते हैं। आप चाहे तो स्मार्ट ऑडियो कर सकते हैं या फिर म्यूजिक कर सकते हैं या फिर कस्टम कर सकते हैं, जिसमें आप अपने म्यूजिक की क्वालिटी के अनुसार टेस्ट के अनुसार इक्वलाइजर को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बस यहाँ से आपको ओके कर देना है और मैनुअल में आप देख सकते हैं जो भी इक्वलाइजर है यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी अपने मन पसंद के अनुसार अपने ऑडियो क्वालिटी को पा सकते हैं। और इसमें आपको सराउंड साउंड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है सराउंड वर्चुअलाइजर के रूप में, बस इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। वैसे मैं जो प्रेफर करता हूँ वो है इसका म्यूजिक मोड। म्यूजिक मोड में बिलीव कीजिए दोस्तों इसका जो डॉल्बी एटमॉस है और सराउंड साउंड है बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। आप जरूर से चेक कीजिए, मजा ही आ जाएगा। म्यूजिक में बैक जाएंगे तो आपको और भी कमाल का ऑप्शन मिलता है स्पेशल साउंड का, जो सिर्फ आपको आईफोन में देखने को मिलता है। बस इसको यहाँ से यहाँ इनेबल कर देना है और जैसे ही आप अपने म्यूजिक को सुनते हैं अपने ईयरफोन के थ्रू, तो आपको लगेगा कि आपका म्यूजिक चारों तरफ घूम रहा है, बिल्कुल गूंज गूंज के बज रहा है और एक कान से दूसरे कान में ट्रैवल कर रहा है ट्यून्स। इतना बढ़िया स्पेशियल साउंड का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो आईफोन के बाद आपको मोटरोला फोन में ही देखने को मिलता है। और स्पेशल साउंड के नीचे आप देख सकते हैं आपको कमाल का चीज मल्टी वॉल्यूम का मिल जाता है, यानी कि मल्टीपल म्यूजिक ऐप अगर आप प्ले करते हैं तो उस मल्टीपल म्यूजिक ऐप के कंट्रोलर को यानी म्यूजिक को आप कंट्रोल कर सकते हैं इंडिविजुअल रूप में। आपको एक मास्टर वॉल्यूम के थ्रू कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, मास्टर वॉल्यूम तो रहेगा ही रहेगा मगर उस दोनों ऐप का भी इंडिविजुअल वॉल्यूम कंट्रोलर रहेगा जिससे आप उस दोनों के वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने दोनों म्यूजिक ऐप में यहां पर प्ले कर दिया है गाने को, तो बस आपको इस वॉल्यूम बार को एक्सेस करना और यहां पर आप देख सकते हैं कि दो म्यूजिक ऐप में आपका गाना बज रहा है और दोनों को आप इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं यहां से। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो जैसे ही आप अपने ऐप स्क्रीन में जाते हैं तो आपको एक बहुत ही कमाल का ऐप देखने को मिल जाता है फैमिली स्पेस का, जो सबसे बढ़िया बात यह है कि आप अगर अपने मोबाइल को किसी छोटे बच्चे को देते हैं तो वो अनलिमिटेड कुछ कुछ करने लगता है, गेमिंग करता है तो अनलिमिटेड करता है, कुछ भी देख रहा है तो अनलिमिटेड देखते रहता है और आपको डर लगता है कहीं वो गलती से कुछ ऐसा ना दबा दे, ऐसा ना कुछ कर दे, गलती से कुछ ऑनलाइन परचेज ना कर ले। तो इस तरह के केयर टेकिंग बच्चों के लिए खासकर डिजिटल केयर टेकिंग को इजी बनाया गया है। बस यहां से आपको कंटिन्यू कर देना है, क्रिएट कर देना है और यहां पर आप देखते हैं क्रिएट स्पेस यहां पर ऑप्शन आ जाता है जिसमें आपको वेरियस ऑप्शन मिल जाता है। पहले तो नाम देना है, फिर अलाउड ऐप कौन सा है वो देना है। तो इस तरह से नाम और अलाउड आप देके आप नेक्स्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे पर्सनलाइज करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो पर्सनलाइज कर दीजिए। उसके बाद पासवर्ड प्रोटेक्टर बना सकते हैं और टाइमर आप यहां पर दे सकते हैं, यानी कि 15 मिनट के लिए आपको अपने बच्चे को मोबाइल देना है तो 15 मिनट बाद ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ऑब्वियसली वो ना पिन जाता है ना पासवर्ड जानता है तो आपको मोबाइल ऑन कर नहीं सकता, आप ही को वापस ला के देगा। तो बस इतना कुछ सेटअप करके आपको डन कर देना है, ओके कर देना है। अब बच्चे को अपने मोबाइल आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए और आप जानते हैं कि कौन कौन सा ऐप है जो वो एक्सेस कर सकता है और पीस ऑफ माइंड के साथ अपने फैमिली स्पेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं इस मोबाइल में। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो ऊपर नीचे आप स्वाइप करते हैं क्विक टॉगल में आते हैं तो आप देख सकते हैं वाईफाई यहां पे इनेबल्ड है और यहां पर आप नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हॉटस्पॉट यहां से आप इनेबल कर सकते हैं, यानी कि हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं आप अपने वाईफाई इनेबल होने के साथ साथ, यानी वाईफाई टेथरिंग का सपोर्ट इस मोबाइल में आपको देखने को मिल जाता है, यानी इस वाईफाई को आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर में, अपने फ्रेंड में बिना किसी पासवर्ड के। आपको कोई भी पासवर्ड की जरूरत नहीं है और वो लोग इस वाईफाई को बहुत आसानी से आपसे यूज कर सकेंगे बिना किसी हैसल के। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं हॉटस्पॉट की बात कर रहा हूं तो हॉटस्पॉट के आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे अब कुछ कमाल का ऑप्शन अभी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे हाइड माई डिवाइस का, अपने डिवाइस को हाइड कर सकते हैं जिससे अगर आपका कोई वाईफाई गलत तरीके से यूज कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा, बस आपको यहाँ हाइड बटन पर टच कर देना है। और एक बहुत ही कमाल का फीचर, पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन ऐप इज एक्टिव यहाँ पर आपको दिखाता है और वो एक्टिव ऐप कौन है, स्पॉटिफाई है। यानी बैकग्राउंड में कोई ऐप हो सकता है जो रन कर रहा हो, बैटरी को चूस रहा हो आपके मोबाइल का और आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। तो आप अपने मोटरोला के बैटरी लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, मोटरोला के फोन को गर्म नहीं होने देना चाहते हैं, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई एक्टिव ऐप अगर है तो उसको आपको फोर्सफुली स्टॉप कर देना है जिससे आपके मोबाइल का बैटरी लाइफ बढ़ेगा, आपका मोबाइल अननेसेसरी हीटअप नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। और क्विक टॉगल में ही अगर आपने नोटिस नहीं किया तो एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपको कमाल का ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, जिसको अगर लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के कस्टमाइजेशन पेज पे आ जाएंगे, यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कितने रेजोल्यूशन पे होगा, फुल एचडी में करना है तो 1080p सिलेक्ट कर लेना है, फ्रेम्स पर सेकंड क्या होगा, डायनेमिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो आपका फ्रेम रेट आपके वीडियो के अनुसार, वरना 30 और 60 FPS का तो आपको ऑप्शन देखने को मिलता ही है। रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट को आप सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं वरना अनलिमिटेड रख सकते हैं, फाइल साइज भी सेट कर सकते हैं वरना अनलिमिटेड रख सकते हैं, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अनुसार आप चाहते हैं कि जो जो आप टच कर रहे हैं स्क्रीन पे वो भी रिकॉर्ड हो जाए तो यहाँ से इसको बस आपको इनेबल कर देना है। और वापस से हम लोग क्विक टॉगल में ही चलेंगे कमाल का ऑप्शन देखने के लिए, जिसको रेडी फोर कहा जाता है। रेडी फोर आप जानते हैं दोस्तों, अगर आप
अपने इस मोटरोला डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं पीसी या टैबलेट से या फिर टीवी से एक्सटर्नल डिस्प्ले से, तो आपको ये ऑप्शन अब इस मोबाइल में देखने को मिलता है। वायरलेसली आप बिल्कुल चुटकियों में कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो टैबलेट हो चाहे वो टीवी और डिस्प्ले हो। तो पीसी और टैबलेट का फायदा क्या है दोस्तों, तो आपके मोबाइल का एग्जैक्टली क्लोन दिखता है आपको उस पीसी या टैबलेट में। बस आपको ये जो फाइल है इंस्टॉल कर लेना होता है, टू कनेक्ट टू पीसी डाउनलोड रेडी फॉर पीसी क्लाइंट फ्रॉम URL से motorola.com रेडी फॉर से, और जैसे ही आप उसमें इंस्टॉल कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ब्लूटूथ को आपको इनेबल कर लेना है, लोकेशन को आपको इनेबल कर लेना है, और मोबाइल में जो आप कर रहे हैं वही आप अपने पीसी में या डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी करेंगे वहाँ पेस्ट करेंगे, आप यहाँ टाइप करेंगे टाइप वहाँ होगा, तो इस तरह का बहुत सारा चीज है जो वहाँ पर आप कर सकते हैं। और एक कमाल का चीज ये है कि आप जानते हैं कि आपका पीसी का वेबकैम होता है वो बहुत ही लो रेजोल्यूशन का होता है, तो इस मोबाइल के फ्रंट कैमरा को आप उसका वेबकैम बना सकते हैं। और आप बस कल्पना ही कर सकते हैं कि इस मोबाइल का फ्रंट कैमरा जो 32 मेगापिक्सल का है वो अगर वेबकैम बनेगा तो आपका क्या क्वालिटी होगा वीडियो कॉल का। और जैसे ही आपका ये रेडी फॉर जो है ऐप इंस्टॉल हो जाएगा आपके पीसी में, तो आप यहां से इसको स्कैन भी कर सकते हैं ताकि आप कनेक्ट कर सकें वायरलेसली, आपको कोई वायर की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर आप टीवी या एक्सटर्नल डिस्प्ले में करना चाहते हैं तो बस यहां से आपको ऑन कर लेना है हॉटस्पॉट को और कनेक्ट कर देना है अपने मोबाइल को अपने टीवी में एक्सटर्नल डिस्प्ले में। तो टीवी में आपको बहुत सारा मेनू आ जाएगा, इसका ये जो स्क्रीन है ये टच पैड बन जाएगा माउस की तरह, बस यहां से आपको ऐसे ऐसे करना है और टीवी पे आप देखेंगे कि जैसे ऐसे आप कर रहे हैं माउस वैसे ऐसा मूव कर रहा है। तो आप इस तरह से करके ही अपने जितने भी टीवी के मेनू है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और बहुत आसानी से अपने मोबाइल के कंटेंट को टीवी पे देख सकते हैं एक्सटर्नल डिस्प्ले पे देख सकते हैं। और चूंकि ये सब बिल्कुल वायरलेसली हो रहा है तो बिल्कुल आपको मजा ही आ जाएगा इस रेडी फॉर ऐप को यूज करने में, मोटरोला के इस फीचर को यूज करने में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो अगर आप दो बार नीचे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मल्टीपल यूजर यानी सिलेक्ट यूजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। MTG जो कि मैं करंट यूजर हूँ, अगर आपको लगता है कि ये फोन आपको किसी और को यूज करने के लिए देना हो तो यहाँ गेस्ट मोड में आप उसको दे सकते हैं ताकि वो बहुत सारे फीचर को यूज ना कर सके, एज ए गेस्ट यूज कर सके आपके मोबाइल को। वरना अगर आप रेगुलर शेयर करते हैं इस मोबाइल को किसी के साथ तो ऐड यूजर बना सकते हैं, तो आपका कंटेंट सेफ रहेगा और उसका कंटेंट सेफ रहेगा, यानी दोनों आपका जो यूजर है MTG और उसका जो यूजर है वो दोनों बिल्कुल पासवर्ड और बायोमेट्रिक से प्रोटेक्टेड रहेगा, यानी आपका स्पेस वो नहीं देख सकता उसका स्पेस आप नहीं देख सकते। इसका मतलब ये है कि मोबाइल को बहुत आसानी से आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको करने की जरूरत हो तो इस फीचर को यूज करके। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर को आपने फिर से मिस कर दिया क्विक टॉगल में। तो क्विक टॉगल में जाएंगे जल्दी से स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक बहुत ही ब्रांड न्यू कमाल का फीचर देखने को मिलता है GIF मेकर, जिस पे आप टच करेंगे ये बोलेगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ऑब्वियसली GIF बनाएंगे कैसे बिना रिकॉर्ड किए हुए, तो रिकॉर्डिंग को शुरू कर देंगे और अपने स्क्रीन पर आप जहां भी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं GIF बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहां से सिलेक्ट करना है स्क्रीन को जिसको आप GIF बनाना चाहते हैं और यहां टच करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देना। आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्क्रीन जो है वो GIF बनना शुरू हो जाता है, 5 सेकंड का GIF बन गया, इसको ओके कर देते हैं। अब देखिए 5 सेकंड का GIF बन जाता है जो एनिमेटेड है ऑब्वियसली। अब आपको लगता है ये बढ़िया है तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं, आपको लगता है बढ़िया नहीं बना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मगर आप अपने मोबाइल में लाइव GIF बना सकते हैं या आप ये कहे कि वेरियस तरह के मीम बना सकते हैं, वेरियस तरह के इमोजी बना सकते हैं, और ये कमाल का पर्सनलाइजेशन जो है कस्टमाइजेशन जो है मोटरोला के फोन में ही पॉसिबल है। अब दोस्तों आप जानने के लिए बहुत ही बेकरार होंगे कि आपके मोबाइल में कॉलर अनाउंसमेंट यानी कि जब आप कॉल करते हैं तो आप कोशिश करते हैं उस कॉल को रिकॉर्ड करने का। सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है, ऑलवेज रिकॉर्ड को आप यहाँ से इनेबल कर देते हैं, ऑलवेज रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो ये कॉल रिकॉर्डिंग तो करता ही है, मगर क्या गूगल वाली आंटी जो है कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट जो है आपको सुनाती है, सामने वाले को सुनाती है? तो बिल्कुल सही आपने सुना, ये बिल्कुल मोटरोला के फोन में चूंकि गूगल का डायलर है इसलिए गूगल वाली आंटी जो है योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड सामने वाले को भी सुनाती है, आपको भी सुनाती है, तो पता चल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है। मगर आप चाहते हैं कि ये कॉल रिकॉर्डिंग का अनाउंसमेंट किसी को ना सुनाई दे तो हमारा एक वायरल वीडियो है जिसको आप अभी आई में अपने स्क्रीन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, फटाफट से जाइए उस वीडियो में मैंने जो जो स्टेप्स बताए उस वीडियो के स्टेप्स को इसमें फॉलो कर लीजिए। अब जब आप कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे अपने गूगल डायलर से ही तो कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगा, क्योंकि उस वीडियो में बताया गया है कि कैसे आप कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट को डिसेबल कर सकते हैं अपने मोटरोला मोबाइल में। अब इसी में बैक जाएंगे तो एक कमाल का ऑप्शन है कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का भी, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए ऑलवेज के रूप में, ताकि जब भी कोई कॉल आए तो चिल्ला चिल्ला के आपका मोबाइल आपको बताए कि किसका कॉल है, नंबर है तो नंबर पढ़ के बताएगा, नाम है तो नाम पढ़ के बताएगा, स्पैम है तो स्पैम पढ़ के बताएगा, ताकि आपका मोबाइल समझिए ड्राइंग रूम में चार्ज हो रहा है, आप टीवी रूम में जो है टीवी देख रहे हैं और आपका फोन रिंग होता है तो ये बता देगा किसका कॉल है, आपको वहां से अननेसेसरी आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप नाम सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे आपको कॉल लेना है या नहीं लेना है, टीवी तो आप देख ही रहे हैं। अब इतना शानदार फोन हो तो विजेट्स की बात ना करें तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो सबसे पहला विजेट तो आप ये देख सकते हैं गूगल का कितना बढ़िया डिस्प्ले जो है क्लॉक यहां पर आपको दिख रहा है जो बिल्कुल एनिमेटेड वे में काम करता है, और मोटरोला का अपना क्लॉक विजेट भी है जिसको यहां पर आप देख सकते हैं। दो तरह के क्लॉक विजेट को मैं दिखाता हूं दोनों का खासियत क्या है, तो इसको आप टच करेंगे तो आप देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ ये आपको बताएगा कि वेदर का टेम्परेचर क्या है, टाइम
टाइमिंग क्या है, कैलेंडर क्या है, और इसके सेटिंग्स में जाना चाहें तो इसके सेटिंग्स में जा सकते हैं। और इस क्लॉक विजिट का खासियत क्या है, तो इसको आप लॉन्ग टैप कर रखेंगे, इसको आप बड़ा कर दीजिए तो देखिए ये बड़ा हो जाता है और आपको बताता है आपके एरिया का वेदर क्या है, आपका AQI इंडेक्स क्या है और बैटरी का परसेंटेज क्या है। और इस तरह का मजेदार विजिट अगर आपको अपने होम स्क्रीन पे या फिर अदर स्क्रीन पे इंस्टॉल करना है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, लॉन्ग टैप करके रखना है विजेट्स पे। और जैसे ही आप विजेट्स पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं इतना सारा विजेट्स है जिसको आप अपने इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में, अपने मोबाइल को बिल्कुल एलिगेंट और शानदार लुक दे सकते हैं इस तरह से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और इसी में आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री को जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आता है वो यहाँ पर सेव होता रहे, इनकेस नोटिफिकेशन को आप उड़ा भी देते हैं और कोई काम का नोटिफिकेशन बाद में आपको पता चलता है कि वो मिल ही नहीं रहा है तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं स्पॉटिफाई में मैं जो गाना सुन रहा था उसका डिटेल्स यहाँ पर कैप्चर हो जाता है, मैसेज आता है उसका डिटेल्स यहाँ पर कैप्चर हो जाता है। तो गलती से अगर आपने उड़ा दिया, मैसेज को डिलीट कर दिया, तो एटलीस्ट यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज है दोस्तों, व्हाट्सएप पे आपका कोई दोस्त है जो मैसेज करता है कि भाई 1000 रुपए देना जरूरत है, मगर बाद में वो डिलीट कर देता है। व्हाट्सएप पे आप देखते हैं कि मैसेज जो है वो डिलीटेड दिखा रहा है, मगर उसने क्या मैसेज किया था आपको कोई पता ही नहीं चल सकता है। मगर ये नोटिफिकेशन हिस्ट्री अगर आप इनेबल करके रखेंगे तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप के नीचे दिखाएगा कि भाई 1000 रुपए देना। और अब आपका दोस्त को लगता है कि उसने तो डिलीट कर दिया, तो आपको तो पता ही नहीं चला कि क्या मैसेज था, मगर आपने तो यहाँ पढ़ लिया कि 1000 रुपए वो मांग रहा था। अब आप उसको बोलते हैं मजे लेने के लिए अपने दोस्त को कि भाई क्या बोल रहे थे, डिलीट क्यों कर दिया, तो वो आपको बताएगा नहीं कि वो आपसे पैसे मांग रहा था। बढ़िया ही है, पैसा भी आपको बच गया और आपको पता भी चल गया। और क्या चाहिए मोटरोला के फोन में, इतना बढ़िया वाला फीचर है। और ये फीचर आपको कैसे पता चल रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ मैजिकल टेक गुरु के चैनल पे आप ऐसे फीचर्स को देखते हैं, इसलिए आपको ये फर्ज बनता है कि इसको फटाफट से लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ये पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। दोस्तों मुझे पता है कि सिक्योरिटी आपके लिए बहुत ही बड़ा प्रायोरिटी है किसी भी मोबाइल में, किसी भी मोबाइल को यूज करने में, तो मोटरोला में भी ये आपका सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखता है। आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है, इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है तो आप देखेंगे मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें ऐप पिनिंग आपको देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस ऐप पिनिंग के फीचर को आप यूज करना शुरू कर दे, बस इसको यहाँ से इनेबल कर देना है, ओके कर देना है और आस्क फॉर पिन बिफोर अनपिनिंग इसको भी जरूर से इनेबल कर देना है। अब आप बोलेंगे मैजिकल टेक गुरु आपने ये सब करवा दिया, उसका काम क्या है? काम बहुत है दोस्तों। अगर आप अपना फोन किसी को देते हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई फोटोज को दिखाने के लिए देते हैं, मगर वो निकलता है शाना, वो फोटो के अलावा आपका मैसेज भी पढ़ने लगता है, आपका ईमेल भी देखने लगता है और आपको पता भी नहीं चलता है। आप ट्रस्ट करके फोन को देते हैं, ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है यहाँ पे। मगर अगर आप समझदार हैं तो ऐप पिनिंग के थ्रू अपना मोबाइल जो है दूसरे को देंगे ताकि उस ऐप से बाहर वो निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऐप जो है पिन हो चुका है। अब ऐप कैसे पिन होता है, तो एग्जांपल के लिए आप फोटोज देते हैं किसी को देखने के लिए, तो पिन कैसे करेंगे, तो आपको अपने रिसेंस में जाना है, इस ऐप वाले ऊपर में आइकॉन में जाना है, यहाँ पिन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और देखिए ऐप जो है पिन हो जाता है, गॉट इट कर देना है, तो यहाँ पर मैसेज भी आता है ऐप पिन। अब आप इस फोन को देते हैं अपने दोस्तों की भाई यूज कर लो, देखना है फोटो देख लो, वो फोटो देखना शुरू करता है, उसके बाद उसको लगता है कि आप कहीं गए हैं, फटाक से ही आपके होम स्क्रीन पर जाकर देखना शुरू करेगा, बोलेगा ये क्या, अनपिन करना पड़ेगा आपको, उसको समझ में नहीं आएगा, तो सोचेगा अच्छा कोई बात नहीं है रिसेंस में जाके कर लेते हैं, तो रिसेंस भी काम नहीं कर रहा है आप देख सकते हैं। फिर वो सोचेगा बैक बटन से बैक चले जाते हैं, तो देखिए बैक भी नहीं काम करेगा क्योंकि ये बोलेगा अनपिन करना है तो बैक और रिसेंस को एक साथ दबाओ। अब वो तो है शाना, वो तो दबा भी देगा, दबाएगा तो उसको लगेगा कि फोन खुल जाएगा, आप अंदर चले जाएंगे, तो जैसे ही दबाएगा फोन हो जाएगा आपका लॉक। अब फिंगरप्रिंट उसके पास है नहीं, पैटर्न उसके पास है नहीं, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, तो वो आपको देगा और आप क्या करेंगे, तो फिंगरप्रिंट देकर फटाक से आप अंदर चले जाएंगे। अब चलिए कुछ कैमरा के हिडन फीचर्स को देख लेते हैं। तो कैमरा में आप जैसे ही जाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो यहाँ पर इनेबल रहता है, वाइड एंगल 13 मेगापिक्सल का यहाँ इनेबल रहता है, मैक्रो शूट अगर आप करना चाहते हैं, मैक्रो शॉट लेना चाहते हैं, तो मैक्रो का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल रहता है। और इसी के अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है वेरियस तरीके से फोटो को क्लिक करने का। एग्जाम्पल के लिए ऑटो स्माइल कैप्चर, जैसे ही आप इसको इनेबल कर देंगे तो आप जैसे ही स्माइल करेंगे तो आपका सेल्फी जो है फटाक से क्लिक हो जाएगा, आपको कुछ भी बटन दबाने की जरूरत नहीं है, बस आपको फोन को ऐसे करना है, स्माइल करना है और फोटो क्लिक हो जाएगा, सेल्फी क्लिक हो जाएगा। अब आप अगेन चाहते हैं कि आपको कोई टच ना करना पड़े, टाइमर यूज ना करना पड़े, जेस्चर सेल्फी का यूज कर सकते हैं, बस अपने पाम को आप अपने दिखाएंगे सामने में और फोटो जो है क्लिक हो जाएगा, सेल्फी जो है क्लिक हो जाएगा। और फोटो में अगर आप वाटरमार्क को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आपको फोटोज में जाना है, वाटरमार्क में जाना है, तो टाइम स्टैम्प देना चाहते हैं तो यहाँ टाइम स्टैम्प दे सकते हैं, डिवाइस वाटरमार्क देना चाहते हैं तो यहाँ डिवाइस का दे सकते हैं। आप देख सकते हैं शॉट ऑन मोटरोला H40 यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और अगर अपना नाम देना चाहते हैं तो आप मैजिकल टेक गुरु दे सकते हैं, यहाँ पर आपको मैजिकल टेक गुरु भी लिखा हुआ आ जाएगा। वापस से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि वीडियो मोड में आपको कमाल का ऑप्शन कुछ कुछ देखने को मिलता है, जिसमें सबसे कमाल है वो है यहाँ पर फुल HD और 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग करना। आप देख सकते हैं 4K में आपको 30 FPS मिल जाता है और 60 FPS आप सिलेक्ट करेंगे तो आप बैक वापस जाएंगे तो आप देखेंगे कि फुल HD आ जाता है, यानी फुल HD में आप 30 60 दोनों को यूज कर सकते हैं, मगर 4K में आप सिर्फ 30 FPS को ही यूज कर सकते हैं। अब फ्रंट कैमरा की बात कर ले तो यहाँ से वीडियो आप 4K में ले
ले सकते हैं, यानी 4K में आप इस फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो बहुत ही कम मोबाइल में देखने को मिलता है, मगर इसमें देखने को मिलता है। स्लो मोशन में अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फुल HD में 120fps पे आप यहाँ पर स्लो मोशन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर 240fps पे आप यहाँ पर HD मोड में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं स्लो मोशन को। और कमाल की बात यह है कि अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिल जाता है, यानी पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप इसमें कर सकते हैं, जिसमें सब्जेक्ट आपका बिल्कुल शार्प रहेगा, बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो जाएगा, जो ऑब्वियसली पोर्ट्रेट मोड में आप फोटो भी ले सकते हैं। और इसके बाद प्रो मोड देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रो मोड में आप बैक कैमरा से भी फोटो ले सकते हैं, फ्रंट कैमरा से भी फोटो ले सकते हैं, और यहाँ पर रॉ फॉर्मेट में भी फोटो ले सकते हैं। और अगर आपको रॉ फॉर्मेट नहीं लेना हो तो यहाँ टच कीजिए, देखिए आप यहाँ पर रॉ प्लस JPG या केवल JPG में भी फोटो ले सकते हैं। अब मोड में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको कमाल का ऑप्शन डुअल कैप्चर देखने को मिल जाता है, जो डुअल कैप्चर आप फोटो भी ले सकते हैं, डुअल कैप्चर आप वीडियो भी ले सकते हैं, जिसका ऑप्शन आपको मोड में दिया गया है। डुअल कैप्चर में वीडियो है, डुअल कैप्चर में फोटो है। और स्पॉट कलर का भी ऑप्शन है, यानी कोई भी कलर को आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे एप्पल रखा हुआ है रेड कलर का, तो एप्पल को सिलेक्ट कर लीजिए तो केवल एप्पल ही रेड में रहेगा, बाकी सारा का सारा कलर जो है ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगा। यानी सिर्फ स्पॉट कलर का वीडियो आप ले सकते हैं, स्पॉट कलर का फोटो ले सकते हैं। और आप जानते हैं इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का लेंस दिया गया है, इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट ये 50 मेगापिक्सल के लेंस पे काम नहीं करता है, 12 मेगापिक्सल पे फोटो लेता है, मगर 50 मेगापिक्सल पे अगर आपको फोटो लेना है तो इस 50 मेगापिक्सल को इनेबल कर लेना होगा। अल्ट्रा रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं मोड यहां पर आ सकता है, अब ये 50 मेगापिक्सल से ये फोटो लेगा। नॉर्मल 12 मेगापिक्सल से फोटो लेना है तो आपको फोटो मोड में फोटो लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ, तो आप लोग सेटिंग्स में जाएंगे जैसे ही, तो इसमें आप देखेंगे आपको जेस्चर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें बहुत सारा जेस्चर तो मैंने आपको बता दिया है, मगर कुछ कुछ जेस्चर है जो आपको नहीं पता है। जैसे वन हैंडेड मोड में आप इस मोबाइल को ले आ सकते हैं, बस यहां से इसको इनेबल कर देना है, और ये इनेबल नहीं हो रहा है तो आप सोचेंगे कोई बग है कि इनेबल नहीं हो रहा है। इसलिए इनेबल नहीं हो रहा है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मली बटन मोड में वन हैंडेड मोड काम नहीं करता है, तो इसके लिए आपको जेस्चर मोड में जाना होता है। तो ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि जेस्चर मोड में आप अपने मोटोरोला मोबाइल को कैसे ले जाएंगे, तो बैक जाएंगे, यहां सिस्टम नेविगेशन आप देख सकते हैं, जिसमें 3 बटन नेविगेशन अभी सिलेक्टेड है। वैसे इसमें भी एक हिडन ट्रिक है, अगर आप इस होम बटन को दबा कर रखते हैं तो आप देखते हैं कि खुल जाता है असिस्टेंट, जो काफी अनोइंग बोरिंग लगता है, आपको लगता है नहीं ये नहीं होना चाहिए, बार बार आपको परेशान करता है, तो आपको इसके सेटिंग्स में जाना है और ये होल्ड होम फॉर असिस्टेंट है, इसको डिसेबल कर देना है। अब देखिए आप इसको लॉन्ग टैप करके रखेंगे होम बटन को, कुछ भी नहीं होगा। बैक जाएंगे, जेस्चर नेविगेशन को बस यहां से इनेबल कर लेना, और जैसे ही इनेबल करेंगे आप देखेंगे बटन गायब हो जाता है, बार आ जाता है। तो चलिए पहले जेस्चर नेविगेशन ही देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो अब आपको होम स्क्रीन पे जाना है तो आप कैसे जाएंगे, नीचे से ऊपर स्वाइप कीजिए, देखिए होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब आपको रिसेंट ऐप में जाना हो तो कैसे जाएंगे, बटन तो है नहीं, तो बस नीचे से ऊपर स्वाइप करके आप आधा दूर तक रखे, देखिए आप रिसेंट ऐप में आ जाते हैं। ऐप्स को उड़ाना हो तो ऐसे फटाफट से आप यहां से उड़ा सकते हैं। अब आपको लगता है कि बैक जाना हो तो कैसे जाएंगे, क्योंकि बैक बटन भी गायब हो गया है, तो बैक जाने के लिए बस आपको किसी भी एस से अंदर की ओर करना, आप इसे देखते हैं बैक बटन बनता है, बैक चले जाते हैं। लेफ्ट से भी आप अंदर की ओर करेंगे, देखिए यहाँ पे बैक बटन बनेगा, आप यहाँ से बैक चले जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि एक ऐप से दूसरा ऐप बैकग्राउंड में जाना हो तो कैसे जाएंगे, तो ये साइड बार है इसको आप यूज करेंगे, देखिए एक ऐप से दूसरा ऐप में कितना मक्खन की तरह आप जा रहे हैं। सिर्फ राइट ही नहीं, आप लेफ्ट करेंगे तो आप लेफ्ट में भी बिल्कुल आसानी से नेविगेट कर सकते हैं, राइट लेफ्ट करके किसी भी तरह से। तो हमारा गोल ये नहीं था दोस्तों, ये तो हमने आपको बता दिया कि जेस्चर कैसे काम करता है, मगर 100 मोड में आप जाना हो तो आप देखिए कितना आसानी से जा सकते हैं, यानी कि जेस्चर मोड में 100 मोड ये काम करता है और बिल्कुल आईफोन की तरह काम करता है। तो आप सोच रहे हो कि 100 मोड में जाना कैसे है, आखिर वो कैसे काम करता है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, नीचे स्क्रीन को ऐसे कर देना है, देखिए 100 मोड में ये आ जाता है। अब स्क्रीन आप जानते हैं दोस्तों कितना बड़ा है इसका, एक अंगूठा कहां ऊपर जाएगा, 100 मोड में यूज नहीं कर सकता। तो एक हाथ से अगर आपको मोबाइल को यूज करना है तो बस ऐसे कर देना है, एक हाथ से देखिए आप अंगूठा में बैक भी चले जाते हैं, आप स्क्रॉल करना है तो स्क्रॉल भी कर सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं 100 मोड से। और अगर आपको लगता है कि 100 मोड का काम हो गया है तो कहीं भी स्क्रीन पर टच कर दीजिए, देखिए ये फुल स्क्रीन में चला जाता है। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं पुट द डिस्प्ले टू स्लीप है, यानी कि डबल टैप आप करते हैं तो डिस्प्ले जो है स्लीप में चला जाता है, बस इसको यहां से इनेबल कर देना है। और बैक जाएंगे तो आप देखेंगे जंप टू लॉक स्क्रीन है, इसको भी यहां से इनेबल कर दीजिए, यानी डबल टैप करेंगे तो लॉक स्क्रीन आ जाएगा, देखिए डबल टैप जंप्स टू लॉक स्क्रीन, बस इसको यहां से डन कर देना है। अब देखिए आप डबल टैप करेंगे स्क्रीन लॉक हो जाएगा, डबल टैप करेंगे स्क्रीन बैकअप हो जाएगा, जिसको फिंगरप्रिंट से आप यहां पर दे सकते हैं। अब दोस्तों एक और सियापा ये है कि पावर बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो आप देखते हैं कि अगेन असिस्टेंट आ जाता है, फिर आपको लगता है कि इसका क्या जरूरत है, पावर बटन तो पावर मेन्यू को आना चाहिए। तो उसको अगर आपको लाना हो तो आप कैसे लाएंगे, तो थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का ऑप्शन है, यहां पर आपको पावर मेन्यू सेलेक्ट कर लेना है। अब अगर आप बैक जाएंगे पावर मेन्यू को अगर लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि पावर मेन्यू ही आता है। और कमाल का चीज ये है कि एक आपको फिजिकल बटन का जेस्चर देखने को मिलता है, डबल प्रेस करने पे आप कैमरा को लॉन्च कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको अगर चेक करना होगा काम करता है नहीं करता है तो डबल प्रेस करके देख लेते हैं कैमरा लॉन्च होता है या नहीं होता है। तो डबल प्रेस करते हैं और देखिए कैमरा जो है लॉन्च हो जाता है, यानी लॉक स्क्रीन से ही कैमरा को लॉन्च करना हो तो बस दो बार पावर बटन को जल्दी प्रेस कर दीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ, तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको सिस्टम देखने को मिलता है, इसमें लैंग्वेज एंड इनपुट देखने को मिलता है। और इसमें कमाल का चीज है कि एक लैंग्वेज जो है जो पूरे मोबाइल का आप सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने इंग्लिश सेट किया
दिया हुआ है। और दूसरा लैंग्वेज यानी इंडिविजुअल ऐप का आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप को आप हिंदी में कर सकते हैं, फेसबुक को आप इंग्लिश में कर सकते हैं, कैलकुलेटर को आप मराठी में कर सकते हैं, कैलेंडर को आप कन्नड़ा में कर सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं सारा का सारा सिस्टम डिफॉल्ट है, मगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्रोम को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ कोई भी एक लैंग्वेज हिंदी ही दे देते हैं, तो अब क्रोम आपका खुलेगा वो हिंदी में खुलेगा, मगर जो आपका मोबाइल का लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहेगा। तो इस तरह से इंडिविजुअल इतना सारा ऐप है जिसका आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं अलग अलग। और ऑब्वियसली आप चाहते होंगे ये चेक करना कि क्रोम जो है हिंदी में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्रोम को खोल के देखना होगा। आप देख सकते हैं क्रोम जो है हिंदी में बिल्कुल मस्त काम कर रहा है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए, थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।